जम्मू कश्मीर के पुलवामा के बेगपोरा में सेना को बड़ी कामयाबी मिली है। सेना के जवानों ने हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को चारों ओर से घेर कर ढेर कर दिया है। रियाज नाइकू पर 12 लाख का इनाम था। बुरहान वानी की मौत के बाद आतंकी संगठन ने रियाज नाइकू को अपना कमांडर बनाया था। इससे पहले पुलवामा जिले के अवंतीपोरा के दक्षिणी इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच जारी मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। सुरक्षा बलों ने अवंतीपोरा के पापोर को घेर लिया, जहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार सेना की 50 आरआर सीआरपीएफ की 185 बटालियन और साथ ही पुलिस की संयुक्त टीम ने ख्रू पनपोर के सरशाली इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। इस तलाशी अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने संदिग्ध जगह के चारों ओर घेराव बढ़ा दिया और इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया है। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। वहीं अवंतीपोरा के बेगपोरा इलाके में भी सर्च ऑपरेशन किया गया, जहां हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइकू के छिपे होने की आशंका थी। ये रियाज नाइकू का पैतृक गाँव था। सूचना मिलने के बाद से ही सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। बेगपोरा में 4 दिन में ये 5वीं मुठभेड़ है। रियाज नाइकू के पैतृक गांव में ही सुरक्षा बलों ने उसे चारों तरफ से घेर कर ढेर कर दिया। उधर बालाकोट में भी पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। सीमा पार से फायरिंग हो रही है, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। न्यूज डेस्क।